वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपेक्स क्रिकेट। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिए। आज हम इंडिया के शार्दुल ठाकुर और न्यूजीलैंड के काइल जेम्सन के बीच में कंपैरिजन करने वाले हैं। शार्दुल ठाकुर का फुल नेम है शार्दुल नरिंद्रा ठाकुर, काइल जेम्सन का फुल नेम है काइल जेम्सन। शार्दुल ठाकुर का जन्म 16 अक्टूबर 1991 को हुआ, जेम्सन का जन्म 30 दिसंबर 1994 को हुआ। ठाकुर का बर्थ प्लेस है पालघर महाराष्ट्र, जेम्सन का बर्थ प्लेस है ऑकलैंड न्यूजीलैंड। शार्दुल ठाकुर का एज है 29 साल, जेम्सन की एज है 26 साल। शार्दुल ठाकुर की हाइट है 5 फीट 9 इंच, जेम्सन की हाइट है 6 फीट 8 इंच। शार्दुल ठाकुर राइट हैंडेड बैट्समैन है, जेम्सन भी राइट हैंडेड बैट्समैन है। शार्दुल ठाकुर टीम इंडिया के राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, जेम्सन न्यूजीलैंड के राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है। ठाकुर ने अपना डेब्यू श्रीलंका के खिलाफ 2017 में किया, जेम्सन ने इंडिया के खिलाफ 2020 में अपना डेब्यू किया। शार्दुल ठाकुर का जर्सी नंबर है 54, जेम्सन का जर्सी नंबर है 12। शार्दुल ठाकुर का नेटवर्थ है $5 मिलियन, जेम्सन का नेटवर्थ है $4 मिलियन। अब बात करते हैं इनके इंटरनेशनल करियर की। शार्दुल ठाकुर ने अपना टेस्ट डेब्यू वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 2018 को किया, जेम्सन ने अपना टेस्ट डेब्यू इंडिया के खिलाफ 2020 को किया। शार्दुल ठाकुर ने अपना ओडीआई डेब्यू श्रीलंका के खिलाफ 2017 को किया और जेम्सन ने इंडिया के खिलाफ 2020 को किया। शार्दुल ठाकुर ने अपना टी20 डेब्यू साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2018 को किया और जेम्सन ने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 2020 को किया। शार्दुल ठाकुर ने कुल 31 मैच खेले हैं, जेम्सन ने कुल 12 मैच खेले हैं। शार्दुल ठाकुर ने 200.1 ओवर बॉलिंग की है और जेम्सन ने 234 ओवर बॉलिंग की है। शार्दुल ठाकुर के नाम 45 विकेट हैं, जेम्सन के नाम 42 विकेट हैं। शार्दुल ठाकुर ने 1347 रन दिए हैं और जेम्सन ने 679 रन दिए हैं। शार्दुल ठाकुर का बॉलिंग स्ट्राइक रेट है 26.69, जेम्सन का बॉलिंग स्ट्राइक रेट है 33.43। शार्दुल ठाकुर का इकोनॉमी है 6.73 और जेम्सन का इकोनॉमी है 2.90। शार्दुल ठाकुर का बॉलिंग एवरेज है 29.93 और जेम्सन का बॉलिंग एवरेज है 16.17। शार्दुल ठाकुर का इंटरनेशनल करियर में बेस्ट बॉलिंग फिगर है 27 रन देकर 4 विकेट श्रीलंका के खिलाफ और जेम्सन का बेस्ट बॉलिंग फिगर है 48 रन देकर 6 विकेट पाकिस्तान के खिलाफ। शार्दुल ठाकुर के नाम 0-5 विकेट हॉल है और जेम्सन के नाम 4-5 विकेट हॉल है। अब बात करते हैं इनके बैटिंग स्टैट्स की। शार्दुल ठाकुर ने 12 इनिंग्स खेली हैं और जेम्सन ने 8 इनिंग्स खेली हैं। शार्दुल ठाकुर के नाम 209 रन्स हैं और जेम्सन के नाम 251 रन्स हैं। शार्दुल ठाकुर का बैटिंग स्ट्राइक रेट है 98.12, जेम्सन का बैटिंग स्ट्राइक रेट है 73.18। शार्दुल ठाकुर का एवरेज है 29.86 और जेम्सन का एवरेज है 62.75। शार्दुल ठाकुर का हाईएस्ट स्कोर है 67 जो कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में बनाया। जेम्सन का हाईएस्ट स्कोर है 51.98 जो कि उन्होंने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ टेस्ट मैच में बनाया। शार्दुल ठाकुर के नाम 150 है और जेम्सन के नाम भी 150 है। शार्दुल ठाकुर ने 20 चौके और 9 छक्के जड़े हैं, जेम्सन ने 20 चौके और 11 छक्के जड़े हैं। शार्दुल ठाकुर ने 3 मैन ऑफ द मैच जीते हैं और जेम्सन ने 3 मैन ऑफ द मैच जीते हैं। अब बात करते हैं इन दोनों के टी20 डोमेस्टिक करियर की। इस कंपैरिजन में हम शार्दुल ठाकुर के इंडियन प्रीमियर लीग के स्टैट्स को जेम्सन के न्यूजीलैंड टी20 डोमेस्टिक करियर के स्टैट्स से कंपेयर करेंगे। शार्दुल ठाकुर ने कुल 45 मैच खेले हैं, जेम्सन ने 35 मैच खेले हैं। शार्दुल ठाकुर ने 45 मैच में बॉलिंग की है और जेम्सन ने 35 मैच में बॉलिंग की है। शार्दुल ठाकुर ने 150.1 ओवर्स डाले हैं, जेम्सन ने 127.5 ओवर्स डाले हैं। शार्दुल ठाकुर ने 1340 रन कंसीड किए हैं और जेम्सन ने 1019 रन कंसीड किए हैं। शार्दुल ठाकुर के नाम 46 विकेट हैं और जेम्सन के नाम 50 विकेट हैं। शार्दुल ठाकुर का बॉलिंग स्ट्राइक रेट है 19.59 और जेम्सन का बॉलिंग स्ट्राइक रेट है 15.3। शार्दुल ठाकुर का इकोनॉमी है 8.92 और जेम्सन का इकोनॉमी है 7.97। शार्दुल ठाकुर का बॉलिंग एवरेज है 29.13, जेम्सन का एवरेज है 20.38। शार्दुल ठाकुर का बेस्ट बॉलिंग फिगर है 19 रन पर 3 विकेट और जेम्सन का बेस्ट बॉलिंग फिगर है 7 रन देकर 6 विकेट। टी20 डोमेस्टिक करियर में शार्दुल ठाकुर के नाम 0-4 विकेट हॉल है और काइल जेम्सन के नाम 1-4 विकेट हॉल है। शार्दुल ठाकुर के नाम 0-5 विकेट हॉल है और काइल जेम्सन के नाम 1-5 विकेट हॉल है। अब कंपेयर करते हैं इनके बैटिंग स्टैट्स को। शार्दुल ठाकुर ने 10 इनिंग्स में बैटिंग की है, काइल जेम्सन ने 14 इनिंग्स में बैटिंग की है। शार्दुल ठाकुर के नाम 48 रन हैं और काइल जेम्सन के नाम 152 रन हैं। शार्दुल ठाकुर ने 42 बॉल्स फेस की है
और काइल जैमिसन ने 113 बॉल्स फेस की है। शार्दुल ठाकुर का स्ट्राइक रेट है 114.29 और काइल जैमिसन का स्ट्राइक रेट है 134.51। शार्दुल ठाकुर का बैटिंग एवरेज है 8 और काइल जैमिसन का बैटिंग एवरेज है 25.33। ठाकुर का हाईएस्ट स्कोर है 15 नॉट आउट और जैमिसन का हाईएस्ट स्कोर है 33 नॉट आउट। शार्दुल ठाकुर के नाम 050 और 100 हैं, जैमिसन के नाम 050 और 100 हैं। शार्दुल ठाकुर ने 5 चौके और 1 छक्का जड़ा है और जैमिसन ने 9 चौके और 4 छक्के जड़े हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए वीडियो को दोबारा शुरू करते हैं। अब बारी है इनके फर्स्ट क्लास करियर की। शार्दुल ठाकुर ने कुल 63 मैच खेले हैं, काइल जैमिसन ने 34 मैच खेले हैं। शार्दुल ठाकुर ने 1900.5 ओवर्स डाले हैं और काइल जैमिसन ने 901.2 ओवर्स डाले हैं। शार्दुल ठाकुर के नाम 213 विकेट हैं और जैमिसन के नाम 128 विकेट हैं। शार्दुल ठाकुर ने 6037 रन कंसीड किए हैं और जैमिसन ने 2706 रन कंसीड किए हैं। शार्दुल ठाकुर का बॉलिंग स्ट्राइक रेट है 53.5 और जैमिसन का बॉलिंग स्ट्राइक रेट है 42.2। शार्दुल ठाकुर का इकोनॉमी है 3.17 और जैमिसन का इकोनॉमी है 3। शार्दुल ठाकुर का बॉलिंग एवरेज है 28.34 और जैमिसन का बॉलिंग एवरेज है 21.14। शार्दुल ठाकुर के नाम 12.5 विकेट हॉल हैं और जैमिसन के नाम 10.5 विकेट हॉल हैं। शार्दुल ठाकुर का बेस्ट बॉलिंग इनिंग्स है 31 रन देकर 6 विकेट और जैमिसन का है 74 रन देकर 8 विकेट। शार्दुल ठाकुर का बेस्ट बॉलिंग इन मैच है 123 रन देकर 9 विकेट और जैमिसन का 117 रन देकर 11 विकेट। अब हम बात करेंगे इनके फर्स्ट क्लास बैटिंग करियर की। शार्दुल ठाकुर ने 85 इनिंग्स में बैटिंग की है, काइल जैमिसन ने 44 इनिंग्स में बैटिंग की है। शार्दुल ठाकुर के नाम 1301 रन्स हैं, जैमिसन के नाम 777 रन्स हैं। शार्दुल ठाकुर ने कुल 2043 बॉल्स फेस की हैं और जैमिसन ने 1417 बॉल्स फेस की हैं। शार्दुल ठाकुर का बैटिंग स्ट्राइक रेट है 63.68, जैमिसन का बैटिंग स्ट्राइक रेट है 54.55। शार्दुल ठाकुर का एवरेज है 16.46 और जैमिसन का एवरेज है 21.47। शार्दुल ठाकुर के नाम 167 चौके हैं और जैमिसन के नाम 79 चौके हैं। शार्दुल ठाकुर ने अब तक 24 छक्के जड़े हैं और जैमिसन ने अब तक 23 छक्के जड़े हैं। शार्दुल ठाकुर का अब तक का हाईएस्ट स्कोर है 87 और काइल जैमिसन का हाईएस्ट स्कोर है 67। शार्दुल ठाकुर के नाम 750 और 0-100 हैं, काइल जैमिसन के नाम 550 और 0-100 हैं। शार्दुल ठाकुर ने 18 कैच किए हैं और काइल जैमिसन ने 6 कैच किए हैं। नीचे कमेंट करके बताइए आपको ये कंपैरिजन कैसा लगा और आपके मुताबिक कौन बढ़िया बॉलिंग ऑलराउंडर है। अगर आप क्विंटन डीकॉक और जॉस बटलर के बीच में कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए वीडियो पर क्लिक करें।